कर्नाटक में राजनीतिक नाटक अब भी नहीं थमा है। बीजेपी के मुख्यमंत्री बदलने के फैसले से अब वोक्कालिगा समुदाय भड़क उठा है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले सदानंद गौड़ा इसी समुदाय से हैं। सोमवार को वोक्कालिगा समुदाय के लोगों ने जगदीश शेट्टार के विरोध और गौड़ा के समर्थन में नारेबाजी की, धरना दिया और नेताओं का घेराव किया। ये सब तब हो रहा था जब बीजेपी हाईकमान की ओर से अरुण जेटली और राजनाथ सिंह बेंगलोर में मौजूद थे। नारे उनके खिलाफ भी लगे। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर जगदीश शेट्टार का औपचारिक चयन होगा। वहीं सदानंद गौड़ा राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। बीजेपी की विधायक दल बैठक महज एक औपचारिकता है, जहां बीजेपी के तमाम विधायक औपचारिक तौर पर जगदीश शेट्टार को अपना नेता चुन लेंगे। बीजेपी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि कर्नाटक में सदानंद गौड़ा की जगह अब जगदीश शेट्टार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बीजेपी को आखिरकार येडियुरप्पा की मांगों के सामने झुकना ही पड़ा और जगदीश शेट्टार को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। वोक्कालिगा समुदाय ने आज होने वाली विधायक दल की बैठक से पहले भी धरने प्रदर्शन की धमकी दी है। कर्नाटक में लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय दो ऐसी बड़ी जातियां हैं जिनकी प्रदेश की राजनीति में खासी दखल है। येडियुरप्पा और शेट्टार लिंगायत समुदाय से हैं। सदानंद गौड़ा की तरफ से कई विधायक जगदीश शेट्टार के मुख्यमंत्री बनने से नाराज हैं। जगदीश शेट्टार के लिए आगे चलकर मंत्रिमंडल का विस्तार भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस वक्त जगदीश शेट्टार को मंत्रिमंडल में तमाम जातियों को समान अधिकार देना होगा।